संसार सताते हैं तो एक विराम होता है। महाप्रभु रमन सभी पार्षदों के विषय में बता रहे हैं, जब
विरह होता है उनके बिछड़ने का। असली विरह तो वैष्णव से बिछड़ने का ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। संसार का यह दुख नहीं है कि किसी का कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाए तो विरह में हो जाए, होता है सब पागल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ये संसार का दुख नहीं है। पैसा लूट गया, घर बर्बाद हो गया, कोई मर गया, ये संसार का दुख नहीं है, ये विरह नहीं है। संसार का सबसे बड़ा दुख यह है वो भक्तों के संग से अलग होना, ये संसार का सबसे बड़ा कष्ट। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति है भक्त, भक्त और भगवान। भक्त हैं तो भगवान आपको मिल ही जाएंगे। जैसे बैंक में कैशियर होता है, कैशियर है तो आपको पैसा दे ही देगा, भले पैसा आपका वहाँ रखा हो लेकिन कैशियर ही नहीं है तो आपको जाकर नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से जब तक वैष्णव नहीं होंगे हमारे पास, भक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं हो पाएगी। जो ऐसे भक्त चले जाते हैं तब क्या करते हैं आचार्य को, उनके विरह में भजन लेते हैं। कहते हैं कहो जो ए ब्रदर प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान मूर्खक श्री चेतन महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इनका वियोग कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। छोड़ के चले गए तो क्या करूं, सिर पटक पटक के रो या मर जाऊं क्या। जो आचार्य लोकनाथ गोस्वामी उनके कुछ 15 पॉइंट भक्त के लिए लिखने का प्रयास किया है, चर्चा करेंगे। पॉइंट में समझ नहीं पा रहा हूँ, रतन दास ठाकुर कह रहे हैं कि सबका वियोग में कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। हमें हमसे वैष्णव के गुणों को भी ध्यान रखना चाहिए। इतना अच्छा सुंदर वर्णन कर श्रीनिवास आचार्य, उसको कई बार पढ़ा है लेकिन अभी आज समझना कि करुणा के भंडार जब वैष्णव का अगर हम क्वालिटीज नहीं काउंट करेंगे तो उनका विरह नहीं महसूस नहीं, बिछोड़ने का तो कोई है फायदा क्या है, फायदा पता चलना चाहिए। तो करुणा का विनम्रता की आचार्य फॉलो किया जाए। रतन दास ठाकुर ये जो आज हैं लोकनाथ गोस्वामी जी, सरल लोकनाथ गोस्वामी, तो मैंने दो लाइन लिखी है, ये सेंटेंस लिखा है कि वैष्णव कैसे होते हैं, क्या उद्देश्य होता है वैष्णव का। प्रोनाउंसिएशन सेम है पर मीनिंग अलग है बस, है ना। लिव विद कृष्णा एंड लीव विद फॉर कृष्णा, लीव विद कृष्णा और लीव फॉर कृष्णा। लीव विद कृष्णा इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में हम हैं तो हमें भगवान के साथ रहना चाहिए। LIVE, लीव विद कृष्णा। और लीव अंतिम लक्ष्य क्या है, LEAVE, लीव। इस संसार को छोड़ो तो भी क्या, भगवान के साथ रहो, छोड़ते छोड़ते संसार में रहो तब भगवान के साथ रहो, और जब संसार को छोड़ो तब भगवान के साथ। ये कैसे आचार्य हुए श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, जो अंत समय था, आज के दिन ही तिथि के हिसाब से आज के दिन ही इन्होंने शरीर का त्याग किया, अपने भौतिक शरीर का, और भगवान को अपने गले में बांध कर रखते थे, पोटली एक झोली बना ली थी इन्होंने,
चर्चा करेंगे। और अंत समय तक भगवान को कहीं और नहीं रखा, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, कुटिया में नहीं रखा उन्होंने, भगवान को ही अपने गले में एक झोली बनाकर लटकाकर लेके चलते थे। और वही उनके लिए नेकलेस था, जिसके गले में भगवान, उससे बड़ा नेकलेस क्या चाहिए, हार क्या चाहिए, वही हार भगवान को लेके चलते। तो आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इन आचार्यों का उद्देश्य क्या है। ये जो स्टोरीज हम पढ़ते हैं आचार्यों की और प्रिंस डिसिप्लिन पे, इसमें उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या था और मैंने स्टोरी सुन ली तब मेरा उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। एक होता है अटेंटिव, एक होता है एक्टिव। मैं अटेंटिव होकर सुन तो रहा हूं पर मैं कुछ करूंगा नहीं, बहुत ध्यान से सुन रहे एकदम, ए पलक निमेश काल बिना पलक झपकाए है ना, सुन तो रहे हैं लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं और कुछ दिनों बाद भूल जाऊंगा प्रभु जी ने क्या कहा था। ये होता अटेंटिव, ध्यान से सुन रहे हैं पर। एक्टिव क्या होता है कि मैं सुन भी रहा हूं और मैं अब करूंगा भी और करके भी दिखाऊंगा, है ना। मैं सुन भी रहा हूं, करूंगा भी और अब मैं रिजल्ट ला के दूंगा। ये होता है एक्टिव बनना चाहिए ना, कई लोग तो केवल सुनते नहीं रहना चाहिए। कई लोग होते हैं बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने सुना भी, किया भी, है ना, और अंतिम लक्ष्य है जो भगवान का कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त भी किया। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी बंगाल में प्रकट हुए, यशोहारा डिस्ट्रिक्ट है, उनके गांव का नाम तालखाड़ी है, वहां पर ये प्रकट हुए। ईयर तो इसमें मेंशन नहीं किया है, कई कई आचार्यों का ईयर्स मेंशन नहीं है कि कब वो प्रकट हुए, और कुछ आचार्यों का तिरुभाव का डेट भी नहीं लिखते हैं, कुछ बस तिथि लिख देते हैं जो ईयर है। कुछ कुछ जो भी बुक अवेलेबल है उसमें कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन हमें सारा समझना है कि आचार्य कभी संसार को छोड़ के जाते नहीं हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप इस संसार को कब छोड़ के जाएंगे, प्रभुपाद ने बोला कि मैं कभी संसार को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मेरी इंस्ट्रक्शंस इस संसार में हमेशा जीवित रहेंगे। गुरु भगवान कभी संसार से नहीं जाते, भगवान संसार को छोड़ के नहीं गए, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कि द्वापर के बाद छोड़ के चले गए भगवान, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, द्वारका प्रलय हो गई, प्रलय में चली गई, खत्म हो गई। भगवान अपने निर्देशों के, शिक्षाओं के माध्यम से हमेशा रहते हैं। कृष्ण सुधाम उपगत धर्म ज्ञान आदि सब पुराण और कौधनित, भगवान ये संसार से गए तो शास्त्र दे के गए, उसी तरह से आचार्य लोग अपने आचरण से शिक्षा देकर जाते हैं ताकि हम लोग उसको पालन कर सकें। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी थे, ये बंगाल में प्रकट हुए और ये चेतन महाप्रभु के अंतरंग, जो एक पार्षद बोलते हैं संसार में, तो सब भगवान के पार्षद रूप में हैं, तो सेवा करते हैं भगवान के धाम में, वो यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने वृंदावन में गोकुलानंद नाम से मंदिर की स्थापना की। तो चेतन चरितार्थ में इनका वर्णन नहीं है ज़्यादा, केवल एक जगह नाम है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चेतन चरितार्थ की रचना कर रहे थे तो इनसे आशीर्वाद लेने गए थे लोकनाथ गोस्वामी जी से। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा ठीक है मैं आशीर्वाद दूंगा लेकिन चेतन चरितामृत में कहीं भी मेरा नाम मत लिखना। कई बार हम खुद फेमस होना चाहते हैं, कैमरा डिवोटी, पोस्टर डिवोटी, एक बार बता रहे थे प्रभु जी, तो लोग पोस्टर डिवोटी बनना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है, सबके अंदर सेवा भाव आएगा और अधिकतर लोग क्या कहेंगे कि टेम्पल हॉल के अंदर की सेवा देना जी हमें, अंदर वाली सेवा दे दो जी हमें। 4 साल पहले एक लड़का आया, IWF का यूथ का लड़का, आई कार्ड डाल के, तो हमारे टेम्पल हॉल में 2 लोग की सेवा होती थी, एक विपुल प्रभु हमारे, उनको हम सेवा में लगा के रखते थे, सिक्योरिटी सेवा में।
तो हमने देखा, हमने ये इस रंग का तो आई कार्ड इशू नहीं किया, इसके पास आई कार्ड कहाँ से आ गया, अंदर कैसे आ गया लड़का? तो 2-3 साल पहले, मतलब जो 4 साल पहले, उससे 5 साल पहले का पुराना आई कार्ड गले में डाल के आया और अंदर सेवा कर रहा था। फिर हमने बोला अपने विपुल जी को, थोड़ा चेक करो भैया, ये कौन से साल का आई कार्ड लेके घूम रहे हैं लोग। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे उसमें यही करेंगे कि कैसे घर को छोड़ा जाता है, कैसे चेतन महापुरुष से आसक्ति उत्पन्न की जाएगी, कैसे गुरु की आज्ञा को पालन करना है, भले हमारा मन माने या ना माने। और कभी भी हाइलाइटर नहीं बनना चाहिए, चमकने वाला नहीं बनना चाहिए, ग्लिटर बोलते हैं उसको प्रपात जी इंग्लिश में, जुगनू की तरह ग्लिटर मत बनो, बरसाती जुगनू बोलते हैं ना, बरसाती मेढक और बरसाती जुगनू, दोनों बहुत चमकते हैं, मेढक भी बहुत टटर करता है, जुगनू भी बहुत चमकता है, दोनों की जिंदगी 24 घंटे की, सांप आता है मेढक को खा जाता है और जुगनू 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है 48 घंटे। तो ये जो है कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा नाम चेतन चितांक में मत लिखना, तो इससे सावधान रहना चाहिए हम भक्तों को कि हाइलाइटर नहीं बनना, पोस्टर डिवोटी नहीं बनना, ग्लोरीफाइड डिवोटी नहीं बनना, मेरा गुणगान करो जी, मुझे माला पहनाओ, है ना, ये नहीं करना चाहिए। बोलते हैं लोकनाथ गोस्वामी में चेतन चरित में जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है इनके बारे में कि संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। जब लोकनाथ गोस्वामी जी आए थे वृंदावन में तो है ना, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के साथ में ये लोग एक साथ रहे। तो लोकनाथ गोस्वामी जी चेतन महाप्रभु से मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा लेकर प्रकट हुए और महाप्रभु से मिलने के लिए इन्होंने तुरंत अपने घर को छोड़ दिया। जैसे पता चला कि महाप्रभु हैं अभी, तो तुरंत नवदीप में, बंगाल में जो नवदीप स्थान है वहाँ पर तुरंत छोड़ दिया घर बार, उसके बाद कभी वापस नहीं गए, कभी नहीं गए। तो शुरू में हमें समझ लेना चाहिए जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना सोना है ना, बच्चे पैदा करना, ये उद्देश्य नहीं है। इनके साथ भी सबसे बड़ा कोई उद्देश्य है क्या? भगवान और गुरु की सेवा सबसे बड़ा उद्देश्य है, उसके लिए कुछ भी हो जाए उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये घर छोड़कर चल दिए और सीधे चेतन महाप्रभु के पास पहुँचे और चेतन महाप्रभु का मनोभाव समझ गए कि ये किस लिए आए हैं और कुछ बोले नहीं, चेतन महाप्रभु ने उनको गले लगाया। तो एक हमारे वर्तमान आचार्य हैं, वो बोल रहे थे कि गले लगाना शब्द चेतन महाप्रभु के लिए या उनके भक्तों के लिए हिंदी की भाषा में बड़ा सिंपल है, शायद आदि करता भी समझ जाएंगे त्यौहार करने से। वो बोल रहे थे अकवारी धरना, है ना, क्या बोलेंगे इसको, जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन श्री भगवान नित्य। गले तो लोग होली पे भी मिलते हैं, गले तो लोग वैसे ही मिल लेते हैं। अब पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अकवारी समय धरना क्या होता है, मतलब जैसे कई बार आदि कर लेके ऐसे झकझोड़ते हैं ना, ये और भक्त लोग लेके एकदम गले से लगाते, हिला देते हैं पूरी बॉडी, अतड़ी बतड़ी सब हिल जाती है। स्वामी जब चेतन महाप्रभु को दर्शन किए तो चेतन महाप्रभु ऐसे एक्सटेसी में आके और पकड़ के, ऐसे जैसे कोई यूथ होता है ना, कोई प्रभु जी से कभी मिलवाते तो बोलते और ठीक है आप, ऐसे ही होता इस, तो गले मिलना नहीं कहेंगे, गले तो लोग वैसे फॉर्मेलिटी के लिए मिल लेते। तो जब ऐसे पकड़ा, उसी समय महाप्रभु ने अपना पूरा प्रेम उनके अंदर भर दिया, पूरा प्रेम, है ना, हृदय में प्रेम, एक एक ब्लूटूथ डिवाइस, एक एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से टच हुआ और सारा प्रेम का डेटा ट्रांसफर,
कैसे किया होगा, है ना। तो महापुरुष जब मिले, है ना, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इनके लिए प्रणाम मंत्र लिखा है, ना? तो हम सब हाथ जोड़ के श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र दोहराएंगे का प्रयास करेंगे। श्रीमद राधा केशवा, श्रीमद राधा विनोद केशवा, संपत समन्वितम पद्मनाभात्मजम् श्रीमलोकनाथ प्रभु भजे। श्री लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि जो श्री राधा विनोदी लाल, इनके विग्रह थे राधा विनोदी लाल, अपने से देखा किसी ने राधा विनोदी लाल जी के विग्रह जयपुर में है, बहुत सुंदर विग्रह हैं, ऐसे छोटे से विग्रह हैं जैसे राधा रमन जी के विग्रह हैं, इस तरह से विग्रह हैं, मौका मिला था मैं देखने का कहते। उन विग्रहों को उन्होंने प्रकट कराया था। ऐसे ऐसे आचार्य हुए जो अपनी सेवा से और भगवान के प्रति प्रेम की उत्कंठ लालसा से भगवान को प्रकट करा लेते। लोग कहते हैं भगवान तो है नहीं संसार में, भगवान को महसूस, भगवान है क्यों नहीं, बुलाओ तो सही भगवान को, है क्यों नहीं भगवान संसार। तो ये आचार्य इन्होंने वृंदावन में भगवान को प्रकट करा लिया, स्थान का नाम भी है, फिर वही विग्रह जयपुर पहुंचाए गए, बाद में गए जयपुर। तो बोलते हैं कि मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को, जो कि पद्मनाभ, इनके पिताजी का नाम था पद्मनाभ और माता का नाम था श्रीमती सीता देवी, उनके ये पुत्र थे। और एक इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द लिखते हैं प्रभुपाद जी, कहती कि वो सिंगल माइंडेड सर्विस थे, सिंगल माइंडेड सर्विस। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, नेह अभिक्रमस्त्री प्रत्वायु न विद्यते स्वल्पिपिस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसके जस्ट अगले वाला श्लोक है, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। एक पॉइंट सर्विस, एक ही काम करना है, अपने मन को व्यवसाय अलग अलग काम में नहीं लगाना है। तो लोकनाथ गोस्वामी जी का एक ही भाव था, एक ही सेवा थी, क्या, मुझे भगवान के चरणों की सेवा करनी है, बस एक भाव यही होना चाहिए। तो क्या था, श्री श्री राधा विनोदी लाल की जो सेवा में है, ऐसे श्री लोकनाथ गोस्वामी को, जिनके पिताजी का नाम पद्मनाभ है, मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये उनके पिताजी थे, ये भी ना शुद्ध भक्त थे, श्री अद्वैत आचार्य के फॉलोवर थे इनके पिताजी। तो इनके भाई भी, उनका भी नाम दिया गया है प्रगल्लब्ध, प्रगल्लब्ध भट्टाचार्य, तो इनका भी परंपरा चलता है, इनके भाई से भी गुरु से परंपरा चलता है। तो बता रहे कि ये अपने परिवार में बिल्कुल अलग थे, ये नॉटी बॉय नहीं थे, बदमाश नहीं थे, शरारती नहीं थे, हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते। बचपन से, कई बच्चे होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, वो ज़्यादा वीडियो गेम टीवी में नहीं लगे रहते, तो किताबों में रहेंगे या अपना कुछ और करते रहेंगे, सेपरेट रहते हैं। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी बहुत सीरियस थे बचपन से ही, और जैसे थोड़े बड़े हुए, महाप्रभु के विषय में इन्होंने अन्य भक्तों से सुना, ध्यान रखिए भगवान के बारे में हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते भगवान को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमें किसी वरिष्ठ वैष्णव के मुख से सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रुक्मणी जी का, रुक्मणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, उन्होंने केवल नारद मुनि जैसे संतों से भगवान कृष्ण के विषय में उनका गुणगान सुना था। तो इसी तरह से लोकनाथ गोस्वामी जी वैष्णव के मुख से चेतन महाप्रभु का गुणगान सुनते थे, उसी से प्रेम हो गया और बोले आज से मेरे जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान दुकान ये चार चीज नहीं है। आजकल दुनिया में क्या है जीवन का उद्देश्य, रोटी कपड़ा मकान यही सोचते थे ना बस, तीसरा मैंने जोड़ा दुकान मतलब बिजनेस नौकरी पैसा, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने एक दिन
घर छोड़ दिया और तुरंत वहां से चेतन महाप्रभु के पास दर्शन के लिए गए, पर चेतन महाप्रभु ने कहा मेरे साथ नहीं रहोगे। लोकनाथ को समझेंगे चेतन महाप्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बोले नहीं आप मेरी सेवा नहीं करो, आप वृंदावन जाओ। जबकि दो चार दिन बाद ही चेतन महाप्रभु का संन्यास होने वाला था, तो लोकनाथ गोस्वामी जी बड़े व्यथित थे कि महाप्रभु हमें छोड़ के चले जाएंगे, अब संन्यास होगा तो कुछ दिन तो मैं महाप्रभु की सेवा कर लूँ। लेकिन नहीं, महाप्रभु नहीं मेरी सेवा नहीं, आप वृंदावन जाइए। तो मन दुखी था लेकिन फिर भी वो गए। तो ये समझने वाली बात ये है कि जब गुरु हमारे कोई ऑर्डर देते हैं, कोई सेवा देते हैं, कोई आज्ञा देते हैं, तो भले ही हमारा मन उसको करने का ना हो लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए। हो सकता है कोई बड़ा उद्देश्य हो, गुरु का कोई हिडन मोटिव हो हमें सिखाने के लिए, हमारे माध्यम से कुछ विशेष कार्य कराने के लिए, हमें निमित्त मात्र बनाने के लिए। लोकनाथ गोस्वामी जी को चेतन महाप्रभु ने वृंदावन भेज दिए, गए लोकनाथ गोस्वामी, गए अन्य स्थलों के दर्शन करते हुए, पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए ये सीधे वृंदावन पहुंच गए, और इधर दो तीन दिन बाद चेतन महाप्रभु का संन्यास हो गया। तो संन्यास के बाद चेतन महाप्रभु ने विचार किया कि मैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करूंगा, तो चेतन महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत की यात्रा। और इधर लोकनाथ गोस्वामी के मन में विचार था कि महाप्रभु का संन्यास हो चुका है, मुझे महाप्रभु के दर्शन करने जाना है। चेतन महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को स्वप्न में आदेश देते रहते थे कि आपको वृंदावन छोड़ के नहीं जाना है। सोचिए भगवान स्वयं आते हैं स्वप्न में। रूपा जी के जीवन में भी हम देखते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज आते थे सपने में, बोलते थे संन्यास लो, है ना। देखिए कब ये संबंध जागृत होगा कि गुरु भगवान हमारे सपने में आए। हम सब चाहते हैं सपने में, असली में नहीं आ, चलो सपने में ही आ जाए, जागृत अवस्था में तो नहीं आ रहे। कब होगा? जब हमारे अंदर वो लौल्यम उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति प्रेम लगेगा। तो है नहीं, थोड़ी देर के लिए भाव आता है राधे राधे, कई लोग आते हैं मंदिर मंगला आरती में देखते थे, आते थे आते राधे, बाहर गए गाड़ी में बैठे, पान मसाला का पैकेट खोला, मुंह में डाला, स्टीयरिंग स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट की, चल दी, हो गया राधे राधे। ये स्थिति है लोगों की, चार आने का भाव, आचार्य बताते हैं चार आने का भाव है वो, भांग खा के जितने चार आना दिया उतना भाव में डांस करेंगे बाकी खत्म, ये भाव नहीं होता। तो चेतन महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में चले गए दक्षिण भारत में, और लोकनाथ गोस्वामी जी की इच्छा हुई कि अब मैं चेतन महाप्रभु के दर्शन करूंगा, क्योंकि खबर मिल गई कि चेतन महाप्रभु दक्षिण भारत में। तो चेतन महाप्रभु दक्षिण भारत में थे, और इधर से लोकनाथ गोस्वामी जी ने भी विचार बनाया दक्षिण भारत जाने का। चल दिए, ट्रांसपोर्टेशन कोई था नहीं 500 साल पहले, रिजर्वेशन का सिस्टम था नहीं, मोबाइल कम्युनिकेशन था नहीं, व्हाट्सएप कुछ था नहीं, लाइव लोकेशन वाला ऑप्शन कुछ था नहीं जी, आप कहाँ हो। तो महाप्रभु साउथ इंडिया में, इधर से लोकनाथ गोस्वामी जी चल दिए। जब लोकनाथ गोस्वामी जी पहुंचे साउथ इंडिया, तो चेतन महाप्रभु आ गए जगन्नाथपुरी। आप किसी से मिलने जाओ, आपको बोला दक्षिण भारत में हैं जी आपके बड़े प्रिय, वहाँ पहुँच जाओ, आप पहुँच कर पता चला वो कहीं और चले गए वहाँ, फिर वहाँ से निकले वो, पता चला कि जगन्नाथपुर में है, वो आए वहाँ से जगन्नाथपुरी, पता चला जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी से पता चला कि ये जगन्नाथपुर में और महाप्रभु वृंदावन में आ गए। लो दौड़ चल रही है पीछा करने, शिष्य भगवान का पीछा कर रहे हैं, कहाँ है भगवान हमारे। कभी कभी भगवान के शिष्य का पीछा करते हैं, कभी शिष्य भगवान का पीछा करते हैं,
तो आगे वृंदावन और बड़े दुखी हुए। जब ये वृंदावन पहुंचे तो पता चला चेतन महाप्रभु कहीं और चले गए। कितना दुख होगा सोचिए। कई बार गुरु महाराज आते हैं, गुरुदेव आते हैं, ना लोग मिलना चाहते हैं गुरुदेव से। अब गुरुदेव का शेड्यूल इतना बिजी है कि मिल ही नहीं पाएंगे। बाद में बोलते देखो अथॉरिटी ने मिलवाया नहीं, प्रभु जी ने उनको तो मिलवा दिया, हमारे गुरु को नहीं मिलवाया, हम तो मिल ही नहीं पाए। मिल नहीं पाए, लॉलियम रखो, सुबह 4 बजे आ जाओ टेम्पल हॉल में, यहाँ गुरुदेव मिलेंगे, प्रणाम करो उनको। तुलसी आरती में महाराज खड़े रहते हैं, 5 मिनट दर्शन करो गुरुदेव की, क्या दिक्कत है, अपॉइंटमेंट लो, मिलेंगे। तो इंटेंस डिजायर थी लोकनाथ गोस्वामी जी के अंदर, तो दर्शन नहीं कर पाए। तो भगवान ने अलग से टाइम निकाला दर्शन देने के लिए। मैं एक बार पहले ही बताया था, एक बार हमारे एक एसटीडी बूथ है, अब तो नहीं, खत्म हो गया। एसटीडी बूथ समझते न? उसको हिंदी में क्या कहते हैं, एसटीडी बूथ को समझते हैं, एसटीडी बूथ, पीसीओ बूथ होता था, उसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है उसने ना, हमारे यहाँ गोपनीय वार्ता कक्ष। क्या है? गोपनीय वार्ता कक्ष। तो वो कॉलेज है, कॉलेज के बाहर उसने एसटीडी बूथ लगाया हुआ था। उसने लिखा कि हमारी एसटीडी 24 घंटे खुलती है, संडे के दिन और ज्यादा। रात को कॉल सस्ती होती थी ना, और सुबह कॉल 6 बजे से पहले सस्ती होती थी, रात को 12 बजे सस्ती। तो लोग क्या सोचते, 24 घंटे का मतलब सुबह 6 से शाम के 8-10 बजे तक 24 घंटे ही होते। उसने लिखा गोपनीय वार्ता कक्ष, हमारी एसटीडी बूथ जो है 24 घंटे से संडे के दिन और ज्यादा खुलता है। तो जब भगवान और भक्त दोनों नहीं मिल पाए, तब भगवान ने मिलने का समय निर्धारित किया, और उस समय में केवल भगवान और भगवान के भक्त, और वो समय था स्वप्न सपना। जब भक्त ना विश्राम कर रहे हैं, आराम नहीं करते, रेस्ट नहीं करते, सोते नहीं है भक्त, स्लीप नहीं करते, है ना, अपने आप को रिवाइव करने के लिए थोड़ा, है ना, ताकि मैं रिफ्रेश होकर और सेवा अच्छे से करूं, ये भाव रहता है। तो सपने में मिले भगवान। तो अगर हमारे अंदर लौल्यम है, लौल्यम एक मूल्यम, तो आपके पास दिन में समय ना हो तो भगवान आपको सपने में आकर आदेश देंगे। भगवान ने बोला कि मैं वृंदावन में ही हूं, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। और यही भगवान फिर जो है ना प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए बताते हैं ना। तो चेतन महाप्रभु वृंदावन से प्रयाग भी गए। प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद में। जीव गोस्वामी, ये सॉरी लोकनाथ गोस्वामी फिर इलाहाबाद भी जा रहे हैं मिलने के लिए, नहीं मिल पा रहे, दर्शन नहीं दिए क्योंकि बिजी था शेड्यूल। चेतन महाप्रभु का जगह जगह जाके लेक्चर देना था, भक्त बनाने थे, है ना। तो हमसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल हमारे आचार्यों का होता है, सीनियर्स का होता है ना। अभी अनुभव है, मैं दीक्षा के समय लोग आ रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, है ना, कि महाराज से पर्सनल मीटिंग करना है। देखो 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, टाइम नहीं दे रहे महाराज, है ना। पर उनको ये पता ही नहीं कि महाराज रात सुबह 2 बजे से जगे हुए हैं। तो हमें यह लगेगा कि चेतन बाबू उनके लिए मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे, लेकिन चेतन बाबू प्रचार में इतने बिजी थे कि टाइम ही नहीं था अलग से, है ना। एक ही जगह रुक जाते भाई, वो तो भगवान है, उनको पता है, तो रुक ही जाते वृंदावन में, ठीक है ना। आ रहे भी लोकनाथ गोस्वामी आ रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, साउथ इंडिया में रहूँगा, अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा बोल सकते थे ना। नहीं, तो सेवा नहीं रुकनी चाहिए, ध्यान नहीं, कितने बड़े प्रचारक हम बन जाएं, आराम के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर सेवा कभी नहीं बंद होनी चाहिए, नेवर स्टॉप सर्विसेस। अगर आप प्रवचाचार्य बन रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में प्रचार करते थे, लेकिन कभी भी सेवा बंद नहीं की उन्होंने। ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथ लेखन, लेटर्स का जवाब देना कभी बंद नहीं किया। तो चेतन महाप्रभु जब ये प्रयाग में भी नहीं मिल पाए, तो चेतन महाप्रभु उनके सपने में आए, है ना, और बोला कि मैं यहाँ से छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के बारे में श्री सनातन गोस्वामी जी, अब
अपने हरि भक्ति विलास के मंगलाचरण में उनका उनको प्रणाम करते हैं, उनको नाम लेकर प्रणाम करते हैं। बोलते वृंदावने प्राण वंदे श्री गोविंद पदाष्टम श्रीमद काशीश्वरम लोकनाथ श्री कृष्ण कृष्णदास के विराज गोस्वामी, इन तीन लोगों को प्रणाम करते हैं, काशेश्वर पंडित, लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। हम भले ही फेमस हो ना हो, भगवान हमें फेमस करा देंगे। सोचिए भगवान कितनी कृपा है। आपको फेमस होने के लिए जरूरत नहीं है, फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं है। उस समय कैमरा फोटो नहीं था, 500 साल बाद भी इन आचार्यों का गुणगान किया जा रहा है। मीडिया नहीं था तब भी गुणगान किया जा रहा है। आप सोचिए कोई है ऐसा संसार में? 500 साल बाद हो सकता है फिल्मी एक्ट्रेस का गुणगान कोई ना कर पाए, खत्म हो जाएगा। लेकिन इन आचार्यों का गुणगान जिसने भगवान के लिए जरा सा भी किया, नेहा विक्रमस्ति पत्त वायु न विद्यति, भगवान कभी भूलते नहीं अपने भक्तों को, है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन के 12 वनों में प्रतिदिन विहार करते थे, जाते थे, दर्शन करते थे। उन्हीं वनों में एक है गाँव है वहां पर किशोरी कुंड, उमराव गांव के पास किशोरी कुंड में वो अपना भजन कर रहे थे और वहां पर इनके मन में इच्छा प्रकट हुई भगवान की सेवा करने की। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान ने वहां देर नहीं की, भगवान समझ जाते हैं। देखिए दो चीजें हैं सेवा भाव के ऊपर लेकर। अगर आपके मन में भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा है, इच्छा नहीं तीव्र इच्छा, तो भगवान आपको कभी ना कभी मौका दे ही दे, पक्का देंगे, है ना। भगवान आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे और भगवान आपको शक्ति भी देंगे, दो चीजें, एम्पावर्ड भी करते हैं और डिजायर भी पूरी करते हैं भगवान। सुख सुविधा सब देते हैं भगवान, अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं भगवान। सनातन गोस्वामी है ना, राधा मदन मोहन जी जो हैं उनको आटा बाटी खिलाते थे नमक डाल के, नमक भी नहीं डालते थे। तो राधा मदन मोहन जी बोले कि भाई कम से कम नमक तो डाल दो इसमें। सनातन गोस्वामी जी बोले नमक चाहिए तो खुद ही व्यवस्था कर लो, आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, फिर मक्खन मांगोगे, 56 भोग मांगोगे, मैं कहाँ से दूंगा साहब, बाबा जी आदमी भजन करूँगी खिलाओगे। तो भगवान ने अपनी व्यवस्था कर ली। तो इन आचार्यों के लिए भगवान उस किशोरी कुंड से स्वतः प्रकट हुए। अब देखिए यहां क्लाइमेक्स आता है, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद अब लोकनाथ गोस्वामी रो रहे हैं, मतलब आप सो रहे हो, सोते सोते आपके पास कोई बच्चा आ जाए जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई कुछ नहीं है। विचार कीजिए ऐसा, है ना, पुरानी पिक्चरों में देखने को मिलता है, है ना, मंदिर के पास है कोई गई आरती करने, आरती करके निकली, एक बच्चा रखा हुआ है, है ना, और बेचारी इधर देखती है क्या करूं, कहां ले जाऊं, कोई है, किसका बच्चा छूट गया। तो जब भगवान वहां प्रकट हुए तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी रोने लगे, है ना, रो ही केवल रो नहीं रहे हैं, आंसुओं की छड़ी निकल रही, छड़ी जैसे होती है ना, रुक नहीं रहे हैं आंसू प्रेम के मारे। बोले भगवान कितने कृपालु, मैंने इधर सोचा और इधर हो गया, मैंने सोचा और इधर हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि ये भगवान तो आ गए, इनको रखूंगा कहां, ये विचार आ गया मन में, सोचिए। तब भगवान उनसे बात कर रहे हैं, भक्तों से भगवान बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं पहले तो तुमने बुला लिया, है ना, अब रो रो के अपना बुरा हाल कर रहे हो, बुलाया क्यों मुझे, क्या जवाब दें, बुलाया क्यों। जैसे चेतन महाप्रभु के ब्राह्मण आए, है ना, वो भगवान को भोग लगा रहे थे, चेतन महाप्रभु बार बार खा जाते थे, है ना, तो लास्ट में चेतन महाप्रभु बोले, यहाँ ड्रामा किया था एक बार, तो बच्चे ने बड़ा अच्छे स्टाइल में बोला था, तो चेतन महाप्रभु बालक थे निमाई बोलते, पंडित ब्राह्मण को बोलते जो भोग लग रहे हैं, बोला पहले तो तुम बुला लेते हो, जब मैं आता हूँ तो मुझे खाने नहीं देते ना, पापा से कंप्लेंट करते हो, मैं नहीं आऊँगा अगली बार।
इस तरह से भगवान बात कर रहे हैं कि भाई रो क्यों रहे हो, ये तो बताओ तुम मुझे यहाँ लेकर आए, लाए क्यों थे, ले आए बुलाया तो रो क्यों रहे हो। बोलते हैं भगवान कि मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। भगवान भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए आते हैं। क्या है श्लोक भगवद गीता का, कौन सा श्लोक? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कृतम सेकंड लाइन है, पहली लाइन में परित्राणाय साधु, भक्तों को अपना आशीर्वाद। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने नहीं आए थे, प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य साबित करने के लिए और उनको आशीर्वाद कृपा और दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप को मारना होता तो भगवान हिरण्यकश्यप को हवा में बुला लेते, हवा में मर्डर करवा देते, कर देते किसी और हथियार से, लेकिन प्रहलाद महाराज को दर्शन नहीं दे पाते। तो भगवान प्रकट होते अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए, उनको दिव्य आनंद देने के लिए। तब लोकनाथ गोस्वामी ने को भगवान बोल रहे हैं, उसी उमराव गांव की बात है, बोल रहे हैं कि देखो है ना, अब फटाफट मुझे भूख लग रही है, खिलाओ। ये शब्द हैं कि मुझे कुछ खिलाओ। अब जिस बाबा जी के पास खुद खाने को नहीं है वो क्या करेंगे? जैसे माधवेंद्रपुरी जी, विग्रह प्रकट हुए माधवेंद्रपुरी जी के यहाँ, कौन से विग्रह थे? गोपाल जी विग्रह। अब जाएंगे परिक्रमा मार्ग में, गोवर्धन परिक्रमा में तो कुंड है, कौन सा कुंड है? गोविंद कुंड है ना, तो वहाँ विग्रह प्रकट हुए। तो उन विग्रह ने भी बोला खिलाओ, भूख लग रही है, बहुत दिन से मैं झाड़ी में पड़ा हूँ, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, खिलाओ। इन विग्रहों ने भी बोला कि मुझे भूख लग रही है, खिलाओ। तो जब भगवान प्रकट हुए तो सारे गांव में खबर फैल गई, भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। तो माधवेंद्रपुरी जी ने भगवान को भोग लगाया तो एक हफ्ते तक रोज 56 भोग, 3 टाइम 56 भोग बनता था। पहले खाने पीने की व्यवस्था बहुत ईजी थी, सब कुछ बन जाता था। आज तो किसी को बोलो कि अपने घर में थोड़ा भगवान को 5 आइटम भोग लगा तो 10 बार सोचेगा वो व्यक्ति, आलस करे, थक जाएंगे। 5 आइटम नहीं बना पाते लोग, जो खुद खाना होता भी खा के भोग लगा देते हैं भगवान को। तो यहाँ भगवान ने अपनी व्यवस्था खुद की, जितने भी ब्रजवासी थे सबके हृदय में भगवान ने बोल दिया मुझे भूख लग रही है, खिलाओ फटाफट। सब लोग बड़ा बड़ा आइटम बना के ले आए, इतने आइटम ले आए, गिनती भी नहीं हो पा रही थी कितने आइटम है, और भगवान सब खा रहे थे। अब खा पी लिए सब, अब क्या करें? तो भगवान थक गए हैं, क्या हो गए? थक गए हैं। तो भगवान को विश्राम कराना था। तो लोकनाथ गोस्वामी ये जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये फूलों का बिस्तर बनाया इन्होंने भगवान के लिए। किसका बिस्तर? फ्लावर बेड। जैसे यहाँ भी जब डीटी इंस्टॉल हुए थे श्री राधा मदन मोहन जी, इनका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, खुद भी देखिए, दूसरों को दिखाइए। बिस्तर बना था भगवान, कितना सुंदर बिस्तर बना था, गुलाब की कमल की पंखड़ियों से, व्हाइट चादर पे प्रिंटेड बेड पे, इतना सुंदर शयन कराया था भगवान को, पहला शयन जो होता है। तो उनको केले के पत्ते पे भगवान को जो है भोग अर्पित किया गया, तुलसी दल खुशबू के साथ में अन्य वैरायटीज। ये सेवा का भाव होता है, इससे संबंध बनता है। जब तक सेवा नहीं करेंगे तो संबंध भी जागृत नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है। बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, गुरुदेव आपको दे देंगे विग्रह, देखिए समझे, पता नहीं चलेगा कब आपके पास कैसे आ गए, बस आप इच्छा कर लीजिए मुझे सेवा करने ही गुरु। तो भगवान स्वतः प्रकट हो गए और सेवा का मौका दे दिया, करो सेवा, और खिला भी रहे हैं उनको, सेवा ले रहे हैं उनसे, साक्षात सेवा ले रहे हैं। तो जब भगवान आ गए है ना, और भोग भी लग गया, शयन भी कर लिया भगवान ने, तब ब्रजवासी वहाँ ग्वाल बाल सब सोचने लगे गांव के लोग कि यहाँ पर भजन कुटीर बना देते, एक मंदिर बना देते, कुटिया बना देते हैं महाराज जी के लिए, लोकनाथ गोस्वामी जी आचार्य थे इनके लिए कुटिया बना देते हैं, ये बैठ के भजन करते रहेंगे और यहीं अपनी सेवा करते रहेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैं अभी एक रूम की कुटिया बनाऊंगा, 1 BHK बनेगा, फिर 2 BHK, फिर 3 BHK, फिर 4 BHK, फिर विला है ना, फिर महल, यही बनता रह जाएगा। मैं वृंदावन में महल बनाने के लिए या अपने है ना फ्लैट बुक करने के लिए नहीं आया था,
तो चेतन महाप्रभु ने भेजा भजन करो, भगवान को प्रकट कराओ, भगवान की सेवा करो, इसलिए आए थे। तो इन्होंने अपने लिए कोई स्थान नहीं बनाया, कोई कुटिया घर नहीं बनाया, ना ही किसी से लिया, स्पॉन्सर नहीं कराया कुछ कि हमें फ्लैट दे दो जी, हम रहना चाहते हैं। कई लोग जाते हैं वृंदावन में भगवान की साक्षात सेवा छोड़ के, कई लोग को जानते हैं ना, संस्था छोड़ के चले जाएंगे, वृंदावन में वास कर लेंगे, वहीं रहेंगे जी, यहाँ मुफ्त में रह रहे थे, फ्री में रहना खाना सब था, यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ जाके रहेंगे, किराए पे ले लेंगे वृंदावन में स्थान, कहेंगे जी जीना मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, वृंदावन में रहेंगे। प्रभुपाद तो नहीं रहे वृंदावन में, गौड़ी वैष्णवाचार्य कहाँ रहे वृंदावन, जाके प्रचार कर रहे हैं, सेवाएँ कर रहे हैं इधर उधर जा जाके अपने गुरु की आज्ञा से। नित्यानंद प्रभु नहीं रहे वृंदावन में, मना कर दिए, जाके प्रचार करो। ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि हम जाके रहें स्थान बना लें, तो ये भी नहीं रहे वहां पर। तो इनको नाम दिया स्ट्रिक्ट वैराग्य, मतलब महापुरुष संगीगण वैरागी प्रधान, महापुरुष के भक्तों में क्या है, गौड़ीय वैष्णवाचार्य में वैरागी हैं ये। बोले मैं कोई घर नहीं बनाऊंगा, कोई मंदिर नहीं बनाऊंगा, भगवान के लिए व्यवस्था तो ठीक है, गले में झोली बांध लेता हूं, उसी में भगवान को लिटा लिया, उसी में बैठा लिया अपने भगवान को। राधा विनोदी लाल विग्रह जी के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं विग्रह को गले में लेके चल रहे हैं। ये होता है, हमें तो जरा सा मौका मिल जाता है तो हम ना अपना रूम सजाने में लग जाते हैं, थोड़ी और जगह घेरने लगते हैं, धीरे 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 जगह घेरने लगते हैं, 10 गज 20 गज 30 गज 50 साल बाद तो पूरा एरिया घेर लेते हैं जहाँ रहते हैं। आचार्य लोग नहीं कर रहे, रोग गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहाँ रुकते थे, पेड़ के नीचे एक रात बिताई, दो रात बिताई, आगे चल दी, ऐसे इनका प्रसिद्धि होती है। एक फ्लैट के मकान में आप रहना चाहते हैं, भगवान आपको अपने हृदय में रख लेंगे अगर आप भगवान के लिए सब कुछ निछार करेंगे, त्याग। कहाँ रहना है आपको, 1 BHK में रहना है, 2 BHK में, कि भगवान के हृदय में, हृदय में रहना है। तो उसके लिए आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, भौतिक संसार का घर छोड़ना पड़ेगा ना, तो 2 BHK 3 BHK छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्यागी है तब मिलेगा कुछ। तो लोकनाथ गोस्वामी ये आचार्य हुए जो वैरागी के उदाहरण स्वरूप थे। अंत समय तक, मरते मरने को नहीं बोले, अंत समय तक के शरीर को छोड़ते, भौतिक शरीर का त्याग करते हुए तक भी लोकनाथ गोस्वामी ने यही किया, विग्रहों की सेवा करते थे। और सबसे बड़ा क्या था कि वैष्णव का संग करके उनसे कुछ कुछ सीखते थे, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। केवल संग नहीं करना, उनसे सीखना भी है। और इन्हीं की सेवा के लिए, ऐसे आचार्यों की सेवा के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जो कि राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, है ना, तो इसमें सीखने को मिलता है कैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, मिनियल से मिनियल सर्विस। नरोत्तम दास ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी जी को अपना गुरु बनाना चाहते, लोकनाथ गोस्वामी कह रहे नहीं मैं नहीं बनाऊंगा अभी, मैं मेरा अभी नहीं बनाना मुझे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने क्या सेवा किया, जहां लोकनाथ गोस्वामी जी मल त्याग करते थे, स्टूल पास करते थे, वहां जाके सफाई करते थे। पहले तो लोग खेत में जाते थे, ये तो कलयुग का प्रभाव आ गया, इतना बढ़ गया है ना, मॉडर्निटी के चक्कर में जहां रहते हैं वही हगते हैं, भाषा है ना, कई बार ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं, है ना, हगना, खाना पे खाना एक ही जगह हो रहा है ना, अटैच हो गए हम किससे, बाथरूम से, भगवान से अटैच नहीं हुए, अटैच बाथरूम चाहिए। अरे अटैच भगवान होने चाहिए, अटैच बाथरूम होने चाहिए, उससे अटैच हो गए हम सोचिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी जाकर आचार्य दीक्षा के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा के लिए टॉयलेट साफ कर रहे हैं, बिल्कुल पोछा, जैसे घर में गोबर लिपाई कर देते हैं, जो लोकनाथ गोस्वामी जी मल त्यागते थे उसके बाद जाके लिपाई करते थे, सोचिए। और कितने दिन तक किया, एक दो दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, 1 साल तक लगातार करते रहे बिना बताए, अननोटिस्ड सर्विस। कौन सी सर्विस होनी चाहिए,
अननोटिस सर्विस, ये नहीं कि सेवा कर ली है ना, फोटो खींच के ग्रुप पे प्रभु जी मैंने ये सेवा किया है ना, बता दिया जाके जी मैंने इतना किया जी, नहीं, अननोटिस्ड सर्विस, कुछ सेवा अननोटिस्ड कर देनी चाहिए, पता ना चले है ना। प्रभु जी सोचते रहे अरे किसने किया, बड़ा अच्छा सेवा किया, कौन है भाई है ना। लेकिन भगवान कभी सेवा को नहीं भूलते हैं, भगवान कभी ना कभी आपकी सेवा को जागृत करा देते हैं। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी ने जब मल त्याग किया तो देखा कि कौन रोज साफ कर देता, आश्चर्यजनक कार्य कर रहे थे। तो एक बार मल त्यागने में झाड़ी में गए, जाके छुप के देख रहे थे कौन है, तो देखा ये राजा का बेटा, राजा का पुत्र, राजकुमार होके टॉयलेट साफ कर, इसीलिए पीवीडी ट्रेनिंग में टॉयलेट साफ कराया जाता है। किस लिए, ये जो अहंकार है, शिक्षा का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार है ना, जाति का अहंकार, इन सब के अहंकार से मुक्त हो सके, खत्म हो सके ये भावना हमारे अंदर, तो इसे मुक्त करने के लिए तो तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर जी का हाथ पकड़ ले, क्या कर रहे हो नरोत्तम, तो बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए बस, ऐसी सेवा कर ले। क्या आशीर्वाद किया, अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। इसके लिए कई बार हम कुछ सेवा करते तो हिडन मोटिव होता है हमारा, क्या होता है, हिडन मोटिव, संस्था में आते हैं कई लोग हिडन मोटिव से आते हैं ना? कुछ ना कुछ छुपा उद्देश्य लेकर आते हैं, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या, भगवान बस आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, हे गुरुदेव आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, आपने जो बोला है वो करता रहूँ बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी है ना, अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी जी का एक भजन गा रहे हैं, उनके विषय में भजन गा रहे हैं। हा हा प्रभु लोकनाथ रख पद्म बंद में कृपा दृष्टि छाया यदि हय आनंदे। गुरुदेव को बोले आप कृपा दृष्टि रखिए, छाया कीजिए, कृपा की दृष्टि की छाया कीजिए है ना, तभी आनंद आएगा। जब तक हम किसी गुरु वैष्णव की शरण में नहीं है आनंद नहीं है। जब तक पेड़ जमीन को पकड़ के रखता है, उसकी जड़ें जमीन को पकड़ के रखती है, तब तक वो पेड़ हरा भरा रहता है। जैसे ही वो पेड़ अलग हो जाएगा जमीन से ना, सूख जाएगा। तो हमारी जान, हमें पोषण कहाँ से मिलता है, पेड़ को जड़ से पोषण मिलता है, वैसे हमें पोषण भक्तों के संग से मिलता है, वैष्णव के संग से मिलता है। मनोवांछा सिद्धि हवे हय पूर्ण तृष्णा, मन वांछा सिद्धि सब पूर्ण होगा, हर एक तरह की तृष्णा पूर्ण हो जाएगी। हतय चैतन्य मिले सिद्ध राधा कृष्ण, चेतन महापुरुष राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे, यही है जीवन का उद्देश्य। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल सिद्ध किशोर, यही जीवन मरण जन्म मरण यही है। तुम्हें ना करी रे दया के करीब आरा, मने वासना पूर्ण करे बार, मन में वासना भरी हुई है ना, अलग अलग तरह की वासनाएं हैं, लेकिन हे वैष्णव गोसाई हे गुरुदेव, गुरु के प्रति लिख रहे है ना, ग्लोरिफिकेशन हम लोग नहीं लिख पाते। मैंने कल एक ग्रुप में डाला था, प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव भक्तिसान महाराज के लिए ग्लोरिफिकेशन लिखा था, इंग्लिश में पोइट्री लिखी थी ना, आपने लिखा, कितने लोगों ने गुरु है ना प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन लिख के भेजा है, कितने बताइए, हम नहीं लिख पा रहे, लिखना चाहिए, भेज नहीं पाए तो लिख लीजिए है ना, और पर्ची बना के ना जी, अगर आपको मौका मिलेगा बोलने का तो बोल सकते हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी के चरणों में रखना चाहिए। हमें भगवान और गुरु की वैष्णव की काउंट द ब्लेसिंग्स है ना, कृपा को याद रखना चाहिए, लिखना चाहिए कृपा, कितना हमारे आचार्य हमारे साथ कर रहे हैं। बस पांच मिनट फिनिश करता हूँ है ना। ए तीन संसार मोर आरा के हो नाई, कृपा कर निज पद तले देखी थाई, राधा कृष्ण लीला गुण गाओ राति दीने। गुरु और भगवान की सेवा का क्या मूड होना चाहिए,
करते समय राधा कृष्ण की लीलाओं को गाते रहे हमेशा, यही प्राण से, जब प्राण तन से निकले तो भगवान का स्मरण है ना। मैं हमेशा बताता हूँ, एक आचार्य जिनको ये भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, उनको जहाँ रहते थे वहाँ आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया था, बम ब्लास्ट कर दिया था, तो महाराज का शरीर, काफ़ी लोग भक्त लोग घायल हो गए थे, महाराज का शरीर में बम लग गया था, है ना, विस्फोट किया था जब, तो अंत समय तक भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज भगवान की लीला सुनते थे, गाते थे और सुनते थे, रोते थे। भक्ति तीर्थ महाराज का देखिए, भक्ति तीर्थ महाराज गले में लॉकेट डाल के चलते थे, उस लॉकेट में क्या था पता, प्रभुपाद का दांत, प्रभुपाद का एक दांत अपने लॉकेट में डाल के चलते थे, या स्मरण रखने के लिए, गुरुदेव का स्मरण रखने के लिए। ये कैसे ये भावना आएगी हमारे अंदर, है ना। तो राधा कृष्ण लीला गुण गाओ रात दीने, नरोत्तम वांछा पूर्ण नाही तू अभी। हे गुरुदेव, बिना आपकी सब नहीं होगा, राधा कृष्ण गुणगान कहाँ कर पाएंगे, होता ही नहीं है गुणगान। सामने भगवान की प्रार्थना करना भूल गए, बताइए, ध्रुव महाराज है सामने, प्रार्थना करना भूल गए, शुद्ध भक्त जो तपस्या कर रहे हैं उसके बाद ही प्रार्थना करने भूल गए। हम कितनी तपस्या कर लें, भूल जाएंगे अंत समय में। कर्ण इतना बड़ा धनुर्धर ना, अंत जब जरूरत पड़ी तो भूल गए, तो भूल जाएंगे, फॉरगेटफुल हो जाएंगे, कृष्ण सामने आएंगे स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो स्मरण कराने के लिए वैष्णव भक्त चाहिए साथ में। अजामिल क्यों फॉल डाउन हुआ, अजामिल का क्यों भक्त नहीं थे उनके पास, ना जड़ भरत क्यों उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा, क्योंकि भक्त नहीं थे उनके साथ। तो हमें बचाने के लिए अगर भक्त ही रहे, भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भक्तों के संग से सीखना बहुत जरूरी है, और गुरु ने क्या क्या दिया है हमें इसका कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ तो कृतज्ञ, कृतज्ञ में गय है, गय मतलब ज्ञान, तो ज्ञान होना चाहिए कि गुरु ने हमारे लिए क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या कार्य किए हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो फटाफट आपको 15 पॉइंट्स बता देता हूँ जो टोटल है अभी तक इसका, कि लीव द होम इमिडिएटली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, है ना, LEAV, लीव द होम इमिडिएटली फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड एंड लीव विद द लॉर्ड, LIVE, लीव विद द लॉर्ड एंड लीव फॉर द लॉर्ड। सेकंड है अटैच टू द गुरु परंपरा एंड आचार्य एंड स्पेशली चेतन महाप्रभु, चेतन महाप्रभु की शिक्षाओं से, चेतन महाप्रभु से हमें आसक्त रहना चाहिए। थर्ड है फॉलो ऑर्डर ऑफ गुरु इवन यू डोंट वांट टू फॉलो, नहीं भी इच्छा है, गुरु ने आदेश दिया है तो भी फॉलो करो, मंगला आरती आना है तो आना है, जब करना है तो करना है, सेवा करनी है तो करनी है, कोई इफ बट नहीं। बोल दिया जंगल में जाना है तो जाओ, प्रभुपाद जी ने बोला ब्रह्मानंद जी को कि जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो, चले गए, कुछ नहीं पूछा। प्रभुपाद ग्लोब घुमाते थे, बोलते थे उंगली रखो, यहाँ उंगली रखा, बोले क्या है ये, बोले जापान, जाओ तुम जापान, है ना, सोचो। तो ये करना चाहिए, सेपरेशन फॉर लॉर्ड, भगवान से विरह का भाव हमेशा महसूस करना चाहिए, तभी उनसे प्रेम का भाव भी महसूस कर पाएंगे। विरह रहता ही नहीं हमारा, हम सोचते नहीं कि भगवान मेरे हृदय में परमात्मा रूप के में है, मैं उनको देख ही नहीं रहा हूँ, भगवान साथ में फिर भी नहीं देख पा रहा हूँ, उनको ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। एंड सर्व एंड एसोसिएट टू द वैष्णव विद लर्निंग एटीट्यूड, वैष्णव की सेवा करो और उनसे सीखो, है ना। नारद मुनि जी वैष्णव को सेवा किया, सीखा उनको, है ना। एंड लास्ट इंटेंस डिजायर इज टू लव फॉर गॉडहेड, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है लॉलियम के साथ, कंटिन्यूस अंत समय तक प्रेम रहना चाहिए। ये नहीं कि बस फेस्टिवल में भाव उमड़ा, जन्माष्टमी दिवाली दशहरा भाव उमड़ा बस खत्म हो गया, नहीं। और बहुत महत्वपूर्ण है डिजायर टू वर्शिप डीटीज, है ना, विग्रह सेवा करने का भाव उत्पन्न करना चाहिए सबके अंदर, स्पेशली ग्रस्ता को, ब्रह्मचारी को, कोई भी हो ना, चारों आश्रम में कोई भी हो, विग्रह सेवा का भाव उत्पन्न करना चाहिए, है ना। शालिग्राम शिला हो, फोटो हो, जरूर आरती उतारना चाहिए,
भोग लगाना चाहिए, कंपलसरी आरती करना, भोग करना, दो टाइम तो कम से कम करना चाहिए, समय निकालना चाहिए उसके। और लोकनाथ गोस्वामी जी का इसमें लिखा है क्या, भागवतम से प्रेम करते थे, जो भी भागवत कथा प्रेमी थे उनसे सुनते थे। तो बोलते हैं मद एक बंधु मत संगी, मद गुरु मन महाधन, मन नास्तिकार मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। लोकनाथ गोस्वामी जी के लिए ये भागवतम क्या था, मित्र था। इस संसार में हमारा मित्र है ना भगवान वैष्णव और ये भागवतम, और असली साथी हमारा कौन है, मत संगी, यही है शास्त्री हमारे साथी। एक प्रचारक के लिए, एक भक्त के लिए शास्त्र ही उसके अनेक शास्त्र जो है मित्र हैं, संगी हैं, हमेशा साथ में रखिए। प्रभुपाद जी कैसे गए, बिन बंधु बिन धन लिए लिए ग्रंथ संचार, ग्रंथ का संचार लिखते। तो पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, रोज किसी एक भक्त को पकड़ो और एक स्टोरी बताओ, है ना, भागवत की स्टोरी बतानी चाहिए, भगवान से संबंध की कथा बतानी चाहिए। प्रसाद पाने दो भक्त बैठे, पूछो जी आज आपने क्या सुना भगवान के बारे में बताइए, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ना। और अगला है नवा की वैराग्य टिल एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत समय तक, प्राण निकलते तक भी है ना वैराग्य रहना चाहिए, फल्गु वैराग्य नहीं है ना, जो है वैसा होना चाहिए, रियल वैराग्य होना चाहिए। और एक समझने वाली बात है क्या, इंटेंस डिजायर, अगर हमारी इंटेंस डिजायर है तो भगवान स्वतः प्रकट हो जाएंगे आपसे सेवा लेने के लिए। इफ यू हैव इंटेंस डिजायर टू सर्व द लॉर्ड, सर्व लॉर्ड मैनिफेस्ट सेल्फ मैनिफेस्टली कम टू टेक योर सर्विस, भगवान खुद आ जाएंगे आपकी सेवा के लिए, चलते चलते कोई विग्रह पकड़ा देंगे आपको कि लीजिए आप सेवा कीजिए। एक बार की बात है, यही भाट टेबल पर मैं खड़ा था, एक माता जी आई, इतना गुस्सा आया मैं क्या बोलना पड़ता, लड्डू गोपाल को लेकर आए, बोली जी हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे, आप मंदिर में रख लोगे क्या, सोचिए इतने लोग, क्या शब्द में बता सकता हूं कि भगवान को लेकर, जी हम सेवा नहीं कर पाएंगे आप कर लोगे क्या है? ये मैंने कहा आपके चार बच्चे होते तो क्या करते, घर में एक एक्स्ट्रा बच्चा आ गया, कम से कम शैतानी तो नहीं करता, लड्डू गोपाल बैठे ही तो बेचारे शैतानी थोड़ी कर रहे हैं, सिर थोड़ी फोड़ रहे हैं आप, एक लड्डू गोपाल रखो भैया, जो खा रहे हो खिला दो कम से कम। मतलब लोग इतने गए गुजरे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा घर में नहीं, यहाँ भगवान खुद प्रकट होकर सेवा ले रहे हैं कि लो सेवा कर लो मेरे। एंड नेक्स्ट है रेडी टू डू मीनियल सर्विस, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज छोटी छोटी सेवाओं को खुद से सेवा कर देनी चाहिए। एक भक्त है, कहाँ है, यहाँ बैठे नहीं है, मेरे बेस के भक्त हैं, प्रभु जी कुछ सेवा मिल जाएगी क्या, है ना, मैंने कहा सेवा तो बहुत है, तो बोले प्रभु जी कुछ ऐसी सेवा जो लोग नहीं करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने मार्कर लो और प्रसादम हॉल में जितने भी पंखे हैं उन सबके ऊपर नाम लिखो स्विचों पे, ये लाइट का है, ये पंखे का है, ये लाइट का है, ये पंखे का है, ये LED का है, लिखो नाम लिखो जा। तो सेवा के लिए हजारों सेवाएं, कुछ मत करो, खड़े होकर माला लेके लोगों को, नए लोगों को जप कराओ भैया, दो किताब ले लो बाहर प्रचार, जन्माष्टमी है, सब खड़े हो जाओ बाहर, है ना। मैंने बताया था ना दान देने के लिए चार चीजें खुली रखनी है, याद है किसी को क्या खोलना है, चार चीजें, वो पीछे प्रभु जी हैंड रेज कर, जोर से बोलेगा प्रभु जी हाँ, मुंह खुला रखना चाहिए, पर्स खुला रखना चाहिए, है ना, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितना दिया, भगवान ये देखते कितना रख लिया, है ना। तो जब भी कोई पर्स खोले तो आप झांकिए पर्स में कितने नोट है, बोले गुलाबी वाला निकाल दो जी, है ना, इसलिए लंबाई थोड़ी हो तो उसका फायदा उठाना चाहिए, है ना, बोलना चाहिए, आपको झांकना चाहिए पर्स में कितना, कौन कौन से नोट रखे हैं, है ना। तो उसको बोले जो छोटी वाली जेब है ना जिसमें आपने 500 का नोट मोड़ के अंदर घुसा रखा, देखिए उसमें होगा, उसको निकालना है ना, पर्स में होता है ना अंदर छोटी छोटी पॉकेट, उसमें से निकलवा लेना चाहिए। और लोग देते हैं, अगर आपको मांगने का तरीका पता है तो देते हैं भगवान, तो लेना चाहिए सर्विस तो गॉड लॉर्ड, है ना, मिनियल सर्विस करके भगवान की नहीं, जो मंदिर की अंदर की सफाई करेंगे, बाहर की टॉयलेट की सफाई नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा बाहर नहीं लगाएंगे, जी कैमरे लगे हैं बाकी लोग देखने, नहीं, जहाँ की भी सेवा मिले टॉयलेट साफ करने की सेवा कर लो, क्या दिक्कत है भैया, टॉयलेट साफ नहीं होगा तो विजिटर्स नहीं आएंगे,
आप समझिए, विजिटर्स नहीं आएंगे तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, प्रचार नहीं बढ़ेगा, जब लोग ही नहीं आएंगे तो उद्देश्य क्या पूरा होगा। सो स्टॉल साफ होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम साफ होना चाहिए, लोगों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, प्रसादम हॉल साफ होना चाहिए, खुद लेके झाड़ू लगा लो, नहीं आ रहे सफाई वाले तो क्या करेंगे, क्या दिक्कत है। ये सब प्रचार के पार्ट है। और भागवतम को अपना मित्र बनाना है, और अगला समझने के लिए कि अगर आप भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान कभी आपको भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। लॉर्ड नेवर फॉरगेट हिज डिवोटी, ही ऑलवेज रेडी टू टेक हिज डिवोटी टू हिज अबॉड। भगवत धाम ले जाने के लिए भगवान खुद आ जाते हैं, किसी और को भेज नहीं भी भेजें, खुद भी आ जाएंगे, चलो मेरे साथ। किसको लेने आए? स्वयं भगवान। किसे लेने आए? गौड़ी वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु हरदास ठाकुर जी के सामने खड़े, सामने बिल्कुल। वो हरदास ठाकुर जो कभी जगन्नाथपुरी में मंदिर में अंदर नहीं गए, सोचिए इतनी बड़ी नामाचार्य की सेवा की उन्होंने, है ना। और नेवर गिव अप चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, नेवर गिव अप। कई बार सेवा के नाम पे, है ना, हम ये जो बेसिक चीज है उसको छोड़ देते हैं, तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगा के रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इन आचार्यों से हमें आज के दिन प्रार्थना करनी चाहिए और एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं, आचार्यों के त्रोभाव विभाव पे हमें ज़्यादा माला करना चाहिए। जो लोग 16 माला करते हैं कम से कम 25 माला करना चाहिए, और जो 25 कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा राउंड भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं भूल जाता हूँ, नहीं कर पाता, बाद में पता चलता है नहीं किया तो फिर पूरा करता है। तो अपनी लाइफ का ऐसे बैलेंस बना के रखें कि माला जरूर करना है, है ना, थैंक्स करने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, है ना। यही और कुछ हमारे पास है नहीं, और प्रार्थना हमेशा करते रहो कि जैसा आपका भाव है वैसे भाव हमारे अंदर रहे, वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा करने का। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की वंशकल तरुभ्य कृपा सिंधु, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो।